Well, this was some chase by Islamabad United. I mean, you look at the score that we saw today 200 plus runs were chased. And at one point, it seemed like uh, Karachi Kings were in a dominating position. But things completely changed when Azam Khan came into bat for Islamabad United. We saw that innings by him in Karachi. But this one might be. Right up there, considering it was in a chase, it was in a winning cause in front of a packed house in Pindi. So congratulations to Islamabad United. And because we are talking about Azam Khan, we have him here, right here next to us in the studio. Azam joins us alongside Sanamir. Azam, bowlers point नहीं जैनब देखे मेरा हमेशा से यही एक रोल है कि मैं हमेशा टीम के जो बेस्ट बॉलर्स होते हैं उनको डोमिनेट करने की कोशिश करूँगा क्योंकि आज उनके स्ट्राइक बॉलर एल से तब्रेश शमसी थे बिकॉज ही वॉज बॉलिंग सो वेल इन द प्रीवियस गेम सो I I had to believe in myself that I can take him down. so I'm really happy about it. 170 का है, पर आपने टाइम लिया तो वो क्या गेम प्लान था अपका? वो गेम प्लान काफी सिंपल था क्योंकि कोशिश हमारी ये होती है जब भी हम डीप लेके जाते अपनी टीम को तो हम लोग ज्यादा से ज़्यादा रन करते हैं तो हमारी कोशिश यही थी जब मेरी और फहीम की बिकॉज ही इज़ लेफ्ट हैंड तो आपको पता है कि जगहें स्विच करनी पड़ती तो टीमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाती हैं इससे तो हमारी कोशिश यही थी कि जितना लंबे से लंबा खेलें उतना टीम के लिए फायदा फायदेमंद होगा अच्छा स्पिनर्स को वेरी एविडेंटली आप बहुत अच्छा खेलते हैं बट अगर मैं आपसे पूछूं पूछूँ की वट यू यूर सेल्फ मतलब पेस या स्पिन तो, क्या सबसे ज़्यादा क्या पसंद है uh they get that last year 2022 man, i wasn't that great on pace but this year like i have an average of 40 with a strike rate of 155 तो मैं हमेशा अपने स्टार्ट देखता हूँ और मैं उससे हमेशा भी मुतमिन नहीं होता तो कोशिश इम्प्रूवमेंट की होती है और इस साल काफ़ी फास्ट बॉलर पे गेम चेंज किया है काफ़ी मेहनत की है उस पर और वो बाकी रिजल्ट आप लोगों के सामने लेकिन आई वुड प्रेफर प्लेइंग स्पिन मोर बिकॉज आई नो आई कैन बी मोर डोमें क्या है मतलब यू रीड रियली फ्राम क्या चीज़ है जो आ, आपको इजी लगती है या कन्वीनियंट लगती है बेसिकली द की इज़ टू वॉच द बॉल नॉट द बॉलर तो आप जब आप विकेट कीपिंग करते हो तो आपको पिच का काफ़ी आइडिया हो जाता है और आपको फील प्लेसिंग के भी आइडिया हो जाता है जिससे आपको पता है कि बॉलर कहां पे बॉल कर सकता है सो so, थोड़ा प्री प्लान भी होता है और थोड़ा आपको सोच समझ के भी खेलना पड़ता है लेकिन इन दी एंड आज आ, मुझे अपने गेम पे काफ़ी भरोसा था क्योंकि थोड़ी बाउंड्री मेरे ख्याल से इस तरफ की थोड़ी छोटी थी सो विद दिस पिन आई वॉज प्लेइंग दैट दो स्ट्रोक्स और विच एन अप

हिज़ हिज़ नॉक आई थिंक वन मैं मेरे ख्याल से इनका हो सकता है पसंदीदा नॉक हो जाए मैं तो जब आई हूँ ग्राउंड में मेरी आज़म से बात हुई तो मैं उसी नॉक की बात कही थी मैंने कहा मैंने बड़ा इन्जॉय किया टी वी पर देख के तो आज अच्छी बात यह है कि लाइव भी हमने इस तरह की हिटिंग देखी है और चेज़ में हमेशा जब विकेट्स गिरी होती हूँ और दो सौ रन रगा होता है बोट पर तो इस तरह की इनिंग्स बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी कि जो शुरू में फ़ीम की इनिंग्स थी जो पार्टनरशिप थी बल्क ऑफ द रन आजम ने बनाए हैं और सारा जो अटैक बॉलर्स पर लिया है वो आज़म ने लिया तो ये इसलिए बहुत जबरदस्त थी और उससे अच्छी बात यह कि इन्होंने मैच को फिनिश किया है किसी और पे छोड़ के नहीं आए अच्छा आ, आपको अगर कंपेयर करें वो कराची वाली इनिंग से आई नो कि ये पूछा गया बट डू यू प्रेफर दैट इनिंग्स टू दिस वन या आई थिंक कराची इनिंग वुड बी माय फेवरेट बिकॉज़ वो मैंने बहुत ही कम बॉलर पे बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला था विदाउट गिविंग एनी चांसेस टू द फील्डर्स तो आई थिंक दैट वुड बी माय वन ऑफ द करियर बेस्ट इनिंग्स बट आई विल Rate this one also because ये भी chanceless रही है और जो मैं चार तो shot खेलना वो मेरा मुझसे लग रहा था तो ये भी काफी high rate करूँगा. Chanceless he saying he called his innings chanceless and chanceless it was it was actually flawless and जितना कि उन्होंने shots खेली all along the ground uh, really was uh, you know entertaining for all the fans that were here in Pindi so we're talking about Azam Khan he's also our master blaster for today. The most impressive thing about Azam Khan was his wrist work and the power. He was able to open up the leg side, going on one, one leg, on, on his knee, and creating that length for himself, and then using the wrist to open the blade of the bat onto the offside. So, this has been a brilliant innings because he was able to finish the match for his side. पिछले मैच में वो आपका स्वीप सिक्स था, जो के बहुत वायरल हुआ you know, तो आज के मैच में कोई थी, लेकिन वो शॉट ऐसा कि काफी प्रैक्टिस किया उसके पीछे मैं जब भी एकेडमी में खेलता हूं अपनी तो रेंज हिटिंग की मैं बताता हूं कि ज्यादा रेंज की प्रैक्टिस करता हूं जिससे आपको पता है कि टी20 अब इतनी फास्ट हो गई है की 6 से लेकर 15 ओवर है If you dominate the teams over there in those, uh, I think eight nine overs, then you have the game in your hands. One more mm. thing, Batay, one skill level. So we have seen your level, but it seems <laughs> like you don't take any pressure. I mean, just the kind of shots you are taking, the match, the situation. It seems like you are taking the shots with a calm mind. और अब एब्सोल्युटली और ये जो शॉट आखिरी दिखाया है ये बेचारा बॉलर एज ए स्पिनर ना बड़ा दिल दुखता है बॉलर के लिए <laughs> क्योंकि बॉल बुरा नहीं था इन्होंने क्रिएट किया है वो लेंथ देखिए आप टी20 में आपको पता है कि हमेशा से आपको नई इनोवेशन लानी चाहिए और नए शॉट्स क्रिएट करने चाहिए खुद के बॉलर उससे ना बैकफुट पर चले जाते हैं बिकॉज स्पिनर्स के बाद दो से तीन डिलीवरी होती है ज्यादा ज़्यादा तो उस पर अगर आप डोमिनेट करें तो फिर वो ऑलरेडी बैकफुट फुट पर हो जाते हैं फिर आप अपनी मर्जी से गेम चला सकते हैं

हर कोई लगता है कि बहुत हर... जहाँ पे जुखरफ हो हसन हसन चीमा <laughs> हो अली नूर हो वहाँ पे रहान हो तो चल मौली हो आजम खान हो आजम खान तो अपने गिटार भी बजाते हैं गाना भी गाते हैं आज के लिए कोई एक आध लाइन गा देंगे जो आज, आज के मैच के लिए कोई एक <laughs> ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक लाइन तो गा दो आज इतना अच्छा परफॉर्म किया है अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में <laughs> ये ये लाइन भी वैसे बड़ी आज you know, चक्या, चक्या तो आदथ 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 है आज के लिए यू नो आदत मुझको नहीं बस ये लोग इस पे मुझे ज्यादा वो ना करें कि ये क्या बातें कर रहे वो तो आपको पता है पाकिस्तान का लेकिन इट्स इट्स तो, आज तो जायज है आज तो जायज आपको पता है प्लेयर को कभी भी सैटिस्फाई नहीं होना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस से और जितना वो अपनी भूख रखेगा रन बनाने की तो उतना उसको आगे फ्यूचर में चले आपने जाना है 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 बट जाते हुए मुझे कि अगर मैं आपसे अभी यू यू नो नो आज का दिन मार्च uh, you know, के आजम आपका क्या गोल तो सी uh, अच्छा तो से Definitely, why not? <laughs> <laughs> why not? Why not? Pakistan team सुन रहे हैं, सारे selectors भी सुन रहे हैं, सारा कुछ देख भी रहे हैं, and uh, आपका social media भी तो है, वो भी लगा हुआ है कि Azam Khan को होना चाहिए team में। नहीं ख़यार है, देखें ये अल्लाह ताला इतनी performances करा रहे हैं, तो खुशी होती है और uh, like I'm not denying that fact that I'm you know I'm fit, I have to work very hard on myself, and inshallah in the future Uh, you will see me working hard on myself. Inshallah. Well, well Inshallah. you've got a great head bed. above your shoulders. That's mm. the most important thing that we've seen uh, with Azam as well. Apart from the fact that he entertains everybody, he's also uh, very mature and sensible in what he says. But thank you so much. Thank you so hum much, thank -ko you so jaane much. And thank you, you have लाइन भी गाई जो पैसे दो। <laughs> पैसे। मेरे पास तो नहीं है सना तुम तो ही दे दो अब तो नहीं। नहीं, इनको प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी मिल गई हाँ। गई है आपकी टीम जीत दो पॉइंट्स चलते रहोगे तो आ जाए आज कल हमारे स्टूडियो पे लोग बहुत सेंसिबल बातें करना चलोगे उस दिन रोमान रवैसी आए थे की तरफ आल्सो Making a lot of sense. So it's great to have such people in the studio. But uh, on that note, we'll take a short break. Thank you so much, Azam, and all the best for your remaining games. Uh, yeah, we'll take a short break and we'll be back just in a bit.